बिहार के जूनियर डॉक्टर यानी MBBS इंटर्न एक बार फिर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर गोल बंद हो गए हैं और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित पूरे प्रदेश भर में सभी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे OPD में जहाँ सैकड़ों मरीजों की परेशानियाँ बढ़ गई, वहीं इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया है। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि पिछले 2013 से इंटर्न को महज 15,000 स्टाइपेंड मिलता आ रहा है, जबकि कई बार मांग पत्र देने और आंदोलन के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टाइपेंड बढ़ोतरी को लेकर आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन 8 साल बाद भी स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में अब काम कर पाना मुश्किल है। जूनियर डॉक्टरों ने साफ कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक कोई भी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर वापस नहीं लौटेंगे। हड़ताली डॉक्टरों का कहना है कि हमारी आंदोलन जारी रहेगी। हड़ताल पर गए सभी जूनियर डॉक्टर 2016 बैच के हैं, जिनके हड़ताल पर जाने के बाद OPD और सभी डिपार्टमेंट में घूम घूम कर कार्य बाधित करवा रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की मांग को जायज बताते हुए IMA ने भी इसका समर्थन कर दिया है। सरकार से अतिशीघ्र मांगों पर विचार करते हुए इंटर्न के स्टाइपेंड को 15,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग की है। हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए। 6 साल से हम लोग का स्टाइपेंड नहीं बढ़ता है, वैसे मतलब 3 साल में बढ़ता है स्टाइपेंड, बट 6 साल से हम लोग का स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है। मात्र 15,000 मिलता है हम लोग को, और हम लोग को नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी सब करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को 15,000 मतलब एक बंधुआ मजदूर से भी कम ये पैसा मिलता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार हमारी मांग को पूरी करे, हमारा स्टाइपेंड कम से कम 35,000 करे, जो कि हम लोग इतनी महंगाई बढ़ गई है उसको लेकर के कम से कम कुछ तो हो पाए। 15,000 में हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। हम लोग को ऐसा बोला गया था जब पहला बार स्टाइपेंड 13 बैच के जब ज्वाइन किया था तो उस टाइम बढ़ा था, और उस टाइम आश्वासन दिया गया था कि हर 3 साल पे हम आपका स्टाइपेंड राइज करेंगे, और हर साल ये एक मामला सिर्फ आज का नहीं है, ये पिछले 2 सालों से सिर्फ इसके नाम स्टाइपेंड बढ़ाने के नाम पे हमारे आदरणीय मंत्री मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, बाकी आज तक 1 रुपया बढ़ाया नहीं गया। जैसा कि ज्ञात हो कि सभी डॉक्टर्स PG की भी स्टाइपेंड बढ़ी है, यहाँ तक कि जूनियर रेजिडेंट के भी बढ़ी है वेतन, लेकिन इंटर्न को पिछले 4 साल से सिर्फ 15,000, जो एक दिन में सिर्फ 500 रुपये होती है, जो एक राजमिस्त्री में आपको ज्ञात हो तो बिहार में राजमिस्त्री की भी एक दिन का भत्ता 700 से 800 से 1,000 तक है, लेकिन हम लोग 24-24 घंटे तक ड्यूटी करते हैं और उसके लिए सिर्फ हमें 500 रुपये, और इसके अलावा कोई मानदेय नहीं मिलता। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। OPD को बंद कर दिया गया है। जूनियर डॉक्टरों ने OPD सेवा को बाधित कर दिया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी तभी हम काम पर लौटेंगे, जिसके चलते दूर दूर से आए मरीजों में हड़कंप से स्थिति हो गई। मरीज काफी परेशान दिखे, साथ ही साथ उनके परिजन भी काफ़ी परेशान देखे। बताते चले, इस क्षेत्र का एकमात्र अस्पताल है जहां लोग दूर दराज से इलाज को आते हैं, परंतु जूनियर डॉक्टरों के द्वारा OPD बंद कर देने से मरीज काफ़ी परेशान दिखे। साथ ही साथ मरीज के परिजनों ने भी अस्पताल में काफ़ी हो हंगामा किया। देखिए, इसमें तैयारी की क्या बात है, इन्होंने अपना ज्ञापन दिया था स्ट्राइक करने के लिए, तो वो एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल, लेकिन ये आज अचानक जो है ये इन्होंने OPD को ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण कि मरीजों को भी काफ़ी सफरिंग हो रहा है। तो मैंने इन्हें बताया कि आपकी मांग जायज है, ये मैं भी समझता हूँ, और सरकार को मेरे द्वारा भी सूचित कर दिया गया है, और आपने भी अपना जो संदेश सरकार को देना था वो दे दिया। अब आप लोग जो है OPD चलने दें, मरीजों को भी असुविधा ना होने दें। इन लोग का तो साफ कहना है सर कि अनिश्चितकालीन स्ट्राइक, ये अभी बच्चे हैं, अनिश्चितकालीन स्ट्राइक करने से कोई फायदा नहीं होता, इंटर्नशिप समय है इनके सीखने का, और ये समय दोबारा लौट के नहीं आता है। जिनकी मेडिसिन में पोस्टिंग है, जिसकी सर्जरी में पोस्टिंग है, जिसकी गायनी में पोस्टिंग है, एक बेसिक्स अगर अल्फाबेट्स नहीं सीखेंगे तो फिर इनको आगे वो मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इनकी मांग को लेकर आप लोग की तरफ से क्या किया? नहीं, हम तो इनकी मांगों को सरकार के आगे टेबल पर भिजवा दिया है। हम कोतवाली से आए हैं। क्या हुआ है? सिर में दर्द है। क्या यहाँ पर क्या चिट्ठा नहीं कट रहा? चिट्ठा ही नहीं कट रहा, 8 बजे आए हैं, 11:30 बज गया। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अभी हड़ताल पे है सब लोग। अब क्या कीजिएगा? क्या करेंगे?
हम लोग नगोचिया से आए हैं, कोई कहीं से आया है। 200 रुपया जाने का, 100 रुपया आने का भाड़ा लग जाता है, है? लोग आता है काहे के लिए कि हमको सही होगा, बीमारी सही होगी तो आधा से एक हिस्सा टैबलेट देता है और पूरे लिख देता है बाहर से अब 1000 टका। कितना परेशानी हो रहा है, दिन भर लगेगा इसी में, कोई सुनवाई नहीं है। भागलपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। छठ महापर्व के लिए मुस्लिम परिवार की महिलाएं पवित्रता का ख्याल रखते हुए छठ में उपयोग में आने वाली बद्धी बनाने का काम जोर शोर से कर रही हैं। हुसैनाबाद नया टोला की रहने वाली कई मुस्लिम महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। इन लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से वो लोग इस काम में लगी हुई हैं और शुद्धता का ख्याल रखते हुए इसको बनाया जाता है। इनके बनाए हुए बद्धी सिर्फ भागलपुर नहीं बल्कि दिल्ली बनारस सहित कई राज्यों में जाते हैं। हमने इस काम को शुरू किया, पूजा पाठ का जितना भी सामान है हम यहाँ बनाते हैं, बद्धी दशहरे का सबका। फिर हमको थोड़ा थोड़ा पैसा होते होते हम फिर अब कारीगर को माल देते हैं काट के। हाँ, छठ का जो सामान बनाते हैं एकदम पाक साफ से बनाते हैं, जरा सा भी गंदगी नहीं रखते हैं, एकदम साफ से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं कि ये पूजा का सामान है, छठ पर्व का सामान है, पाक साफ से हम लोग बनाते हैं। भागलपुर दीपों की उत्सव दीपावली को लेकर कुम्हारों के द्वारा दिया बनाने का काम किया जा रहा है। अलीगंज के ऊपर गंगटी मोहल्ले में आधा दर्जन कुम्हार परिवार के लोग इस काम में लगे हुए हैं। इन लोगों के द्वारा कई पीढ़ियों से यह काम किया जा रहा है लेकिन आज इनकी हालत खराब है। इन लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा इन लोगों को कोई राहत नहीं दी जाती, वहीं मिट्टी भी खरीद कर लाना पड़ता है। पूरा परिवार दिवाली के समय इसी काम में लगा रहता है लेकिन मुनाफा काफ़ी कम होता है। इन लोगों को इंतजार है कि सरकार कुछ मदद करे तब इन लोगों की हालत कुछ बेहतर हो पाएगी। हम लोगों को बाप दादा के तरफ से ही बन रहा है, कम से कम 100 साल से ही ज़्यादा ही बन रहा है यहाँ पर, लेकिन सरकार के तरफ से एक पैसा का कोई भी लाभ नहीं है और नहीं कभी कुछ दिया है और नहीं कभी कोई विकास की योजना हम लोगों को आई है। ना खेत मिला है मिट्टी का, नहीं पोखर तालाब मिला है, तो सरकार के तरफ से कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। मिट्टी कहाँ से लाते हैं, कितना दिक्कत होता है? हम लोगों को मिट्टी लाते हैं माथे पर, सिर पर उठा के लाते हैं। कहाँ से खरीद? पोखर से, और किसी का जमीन पड़ता है तो वहाँ से खरीदते हैं हम लोग। अभी फिलहाल 1500 रुपये गाड़ी देता है, एक टेलर की 1500 रुपये लेता है। दीपावली में दिया बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद 2 महीना हम लोग मतलब जो है ये कुआसा में बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं। और हम लोग होली के पहले से फिर बनाने के लिए हम लोग शुरू करते हैं, जैसे सुराही हुआ, मिट्टी का घड़ा हुआ, कढ़ाई हुआ, यही सब बनाते हैं। अभी तक कोई मदद सरकार की? सरकार के तरफ से 1 टका के कोई भी योजना नहीं मिला, न मदद मिला। भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में काली पूजा व छठ पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। शांति व सद्भावपूर्ण माहौल में मां काली की प्रतिमा की स्थापना से लेकर विसर्जन को संपन्न कराने के दिशा निर्देश जिलाधिकारी ने सभी मेड़पतियों व पूजा समिति के सदस्यों को दी है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि नशे की हालत या अस्त्र शस्त्र के साथ कोई भी व्यक्ति विसर्जन शोभा यात्रा में प्रवेश न करेंगे, इस पर स्थानीय समिति भी निगरानी रखेगी। नशे की हालत में पकड़े जाने पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए 2 मेड़ के बीच 100 फीट से अधिक खाली स्थान छोड़ने के आदेश के साथ डीजे नहीं बजाने का भी आदेश दिया गया है। इस वर्ष 6 नवंबर शनिवार की रात्रि 11 बजे मां काली की प्रतिमा के विसर्जन के लिए वेदी से उठाई जाएगी। हर वर्ष पर्वती की बड़ी काली महारानी की प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा में सभी प्रतिमाओं का प्रतिनिधित्व करती है। बैठक में जिलाधिकारी ने शांतिपूर्ण माहौल में छठ पूजा संपन्न कराए जाने का भी आदेश दिया। डीएम ने छठ घाटों पर साफ सफाई व्यवस्था मुहैया कराने को लेकर मेयर व नगर निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में मेयर सीमा सा, एसएसपी नीता सा गुड़िया, एडीएम राजेश राजा, सीटीएसपी स्वर्ण प्रभात, सभी थानों की पुलिस, काली पूजा समिति के सदस्य व शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। नगर निगम सभागार में दीपावली, काली पूजा और आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर पूजा समिति के कार्यकर्ताओं के साथ मेयर सीमा शाह ने बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। नगर निगम के सभागार में यह बैठक घंटों तक चला, जिसमें निर्णय लिया गया कि जितने भी पूजा स्थल हैं, साथ ही जितने गंगा घाट के किनारे छठ पूजा किया जाता है, उस पर अभी से काम करना शुरू किया जाए। साफ सफाई हो या फिर बिजली लाइट की बात हो या फिर जिस नदी में दलदल है उसे किस तरह दुरुस्त किया जाए, इस पर भी विचार किया गया।
काली पूजा के विसर्जन पर विशेष चर्चा की गई। किस तरह सही ढंग से शांतिपूर्ण काली विसर्जन शोभा यात्रा सम्पन्न हो,